यदि आप नए यूट्यूबर हैं तो सबसे पहले ये समस्या आती है या सबसे पहला दिल में विचार आता है कि यूट्यूब वीडियो कैसे बनाएं। मैंने 4 साल में जो सीखा है वो इस वीडियो में 2 से 3 मिनट में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको यूट्यूब वीडियो कैसे बनाने चाहिए, आपको कौन कौन से ऐप यूज करने चाहिए, किस तरीके से आपका वीडियो बेटर बनने वाला है। तो सबसे पहली बात आती है वीडियो शूट करना। तो यदि आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला होता है कैमरा, कि आप कैमरा कौन सा आपको यूज करना चाहिए। मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि पहला वीडियो शूट करने के लिए आप कोई 1 लाख या 2 लाख का कैमरा परचेज कीजिए, आपके पास जो मोबाइल है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन जो कंपटीशन चल रहा है यूट्यूब पे वो गेमिंग वीडियो का चल रहा है, एक फूड वीडियो का चल रहा है और दूसरा आजकल लोग ट्रेवल ब्लॉग वगैरह भी बहुत सारे बना रहे हैं। तो यदि आप कोई सा चैनल बनाने के बारे में सोच रहे हैं या यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं आप, तो आपको करना क्या है, यदि आप फूड वीडियो वगैरह बनाते हैं तो आप ओपन कैमरा करके ऐप है जिसमें क्या होता है कि यदि हम नॉर्मल कैमरा यूज करते हैं तो नॉर्मल कैमरा ऑटो फोकस करता है तो एक प्रॉब्लम होती है कि वीडियो हिलता हुआ दिखता है, तो उसके लिए आपको ओपन कैमरा यूज करना है। जो लोग गेमिंग वीडियो बनाते हैं तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ओपन कैमरा ही यूज करता हूँ। इंजीनियर्स कुकिंग करके मेरा एक कुकिंग चैनल है जहाँ पर मैं लगभग हर रोज वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर मैं जो ओपन कैमरा यूज करता हूँ, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये वीवो के मोबाइल से ही शूट कर रहा हूँ। मेरा जो फ्रंट कैमरा है डुअल कैमरा है 44 मेगापिक्सल, तो ये मोबाइल है B20 Pro, और इसका जो बैक कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल है। तो मैं कुकिंग वीडियो बैक कैमरे से शूट करता हूँ और इस चैनल के जो वीडियो शूट करता हूँ वो फ्रंट कैमरे से शूट करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं माइक की। तो माइक मैं यूज करता हूँ बोया का M1, बहुत ही सस्ता है, मतलब 700-800 रुपए में आपको मिल जाएगा और इसकी वायर लेंथ भी लगभग 5 मीटर होती है। यदि आप ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है, यदि आप कुकिंग वीडियो करते हैं या किसी तरीके के वीडियो करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। माइक के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि माइक नॉर्मल कैमरा में काम नहीं करता है लेकिन ओपन कैमरा में काम करता है। ओपन कैमरा में नॉर्मल आप जाके सेटिंग कर लीजिए एक्सटर्नल माइक की, तो आपका जो भी माइक है वो आपके मोबाइल पे काम करने लगेगा। नेक्स्ट आता है ट्राइपॉड। यदि आप वीडियो शूट करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे ब्लॉगिंग का हो, कुकिंग का हो, किसी तरीके का, तो नॉर्मल जो आप ट्राइपॉड सर्च करते हैं तो इस तरीके का ट्राइपॉड आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे 250-400-500 रुपए में मिल जाता है। स्टार्टिंग करने के लिए काफी अच्छा है, मगर जैसे मैं 3-4 साल से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस तरीके के ट्राइपॉड 3 से 4 महीने में टूट जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा सलूशन निकाला है इसका। मैंने जो ट्राइपॉड लाइट स्टैंड से रेडी किया है उसका मैंने एक वीडियो शूट किया था, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, तो मैं नीचे लिंक देता हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं। 700-800 रुपए में आपका लोहे का ट्राइपॉड बन जाएगा और वो लगभग मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये ट्राइपॉड लगभग मैंने 1 से 1.5 साल में 4 से 5 मेरे टूट गए थे, क्योंकि ये क्लैंप बहुत जल्दी टूट जाता है इसका और इसकी क्वालिटी भी काफी डाउन होती है। तो 700-800 रुपए में आप लोहे का ट्राइपॉड रेडी कर सकते हैं। मैं जो भी वीडियो शूट कर रहा हूँ उसी शूट करता हूँ, मैं सारे वीडियो अपने कुकिंग वीडियो भी उसी से शूट करता हूँ, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको ये 3 पार्ट में परचेज करना पड़ेगा, मैं तीनों पार्ट का नीचे लिंक दे देता हूँ और मैं वीडियो का भी लिंक दे देता हूं यदि आप इसको देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिंग लाइट की, कौन सी रिंग लाइट आपको परचेज करनी चाहिए, मैं किस तरीके की रिंग लाइट यूज करता हूं। तो यहां पर मैं रिंग लाइट यूज नहीं करता हूं कि रिंग लाइट यदि आप खरीदते हैं छोटी रिंग लाइट जो 1000 रुपए तक की जो आती है उसका फोकस नहीं आता है, थोड़ी महंगी रिंग लाइट लेते हैं आप तो लगभग 3 से 4 हजार रुपए की आती है, तो उसके बीच का मैंने एक ऑप्शन निकाला है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं किस तरीके की लाइट यूज करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं किस तरीके की लाइट यूज करता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर छतरी लगाई हुई है और ये लाइट का स्टैंड लगाया हुआ है इसमें इस तरीके का, और यहाँ पर होल्डर और 2 सेफल लगाए हुए हैं, तो ये 9-9 वाट के हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि आप कितने वाट का सेफल लगाना चाह रहे हैं, ये छतरी अलग से परचेज करनी पड़ेगी। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं नीचे लिंक देता हूं, उसमें पूरा बताया हुआ किस तरीके से आप इसको परचेज कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूं, अभी मैंने एक लाइट ही ऑन की हुई है, दूसरी लाइट मेरी रखी हुई है, तो मैं कभी कभी दोनों लगाता हूं, कभी कभी एक ही लगाता हूं। तो ये मेरी लाइट थी जो मैं यूज करता हूँ कुकिंग वीडियो पे, एक्चुअली मुझे फोकस करना पड़ता है कढ़ाई के ऊपर, तो मैं एक लाइट यूज करता हूँ, कभी कभी मैं दोनों लाइट यूज करता हूँ, ज्यादा लाइट नहीं चाहिए होती है। तो अभी मैं एक लाइट से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। यदि आप लाइट परचेज करना चाह रहे हैं तो मैं इसके लिंक देता हूँ अलग अलग पार्ट में,
दूसरी चीज, यदि आप इंस्टॉलेशन का वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। बात करते हैं कि किस तरीके से वीडियो को एडिट किया जाए। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा। यदि आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं जरूर डिटेल बताऊंगा। पहले मैं ब्लॉगिड ऐप यूज करता था एडिटिंग करने के लिए, उसके बाद मैंने काइंड मास्टर यूज किया। तो पहले काइंड मास्टर 1300 रुपए का साल का था उसका सब्सक्रिप्शन, लेकिन अब उन्होंने 3400 कर दिया, तो मैंने काइंड मास्टर यूज करना बंद कर दिया। एक फ्री वीडियो एडिट ऐप है बिलो करके, इसमें फुल HD वीडियो आप बना सकते हैं बिना वाटरमार्क के। इन शॉर्ट एडिटर में यूज करता हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। इसमें आप 4K वीडियो तक बना सकते हैं। यदि आप इसको वाटरमार्क हटाना चाह रहे हैं तो इसमें सिर्फ आपको एक छोटा सा एड देखना होता है। यदि आप इसको परचेज करना चाह रहे हैं तो ये 2600 रुपए में लाइफ टाइम मिल जाता है आपको। साल का भी ये 300 कुछ रुपए लेते हैं। तो अभी मैंने परचेज किया हुआ है इसको, तो मैं इन शॉर्ट से वीडियो एडिट करता हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल भी पेड नहीं है। और इस तरीके का मेरे चैनल पर ये दूसरा वीडियो है, मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इस तरीके के, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं YouTube वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाएं, मैं कौन सा ऐप यूज करता हूँ। तो मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ, मैं पिक्चर लैब करके थंबनेल यूज करता हूँ। लैब से आप बहुत ही बढ़िया YouTube के लिए थंबनेल बना सकते हैं। और नेक्स्ट आता है कि टैग कहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं टैग के लिए टैग यू ऐप यूज करता हूँ। टैग यू करके आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वन टाइम परचेज इनका 150 रुपए का कुछ वन टाइम परचेज है, तो आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं मैंने वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है कि किस तरीके से आप YouTube वीडियो बना सकते हैं, किस तरीके से आप YouTube प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि YouTube पे किस तरीके से वीडियो अपलोड करें, मैं वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल सही तरीका आपको बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में यदि मैंने कुछ गलतियां की हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं मैं आपसे। थैंक यू।